हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को समझाने जा रहे हैं जो कि एग्ज़ाम में आता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण में अंतर। ये दोनों में क्या अंतर है, इसको हम इस वीडियो में आपको समझाएंगे। बच्चों, उसके पहले सबसे पहले आपको जानने होगा कि ये सर्वनाम क्या होता है। तो चलिए हम आपको पहले सर्वनाम समझाते हैं, फिर उसके बाद आपको सर्वनामिक विशेषण समझाएंगे, फिर दोनों का डिफरेंट को बताएंगे। तो सबसे पहले आप जानिए कि सर्वनाम क्या होता है। सर्वनाम सर्वनाम शब्द वे होते हैं सर्वनाम शब्द वे होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे उदाहरण में देखिए, वह अपने गांव गया है। तो यहाँ पर वह क्या हो गया, सर्वनाम, क्योंकि ये संज्ञा के स्थान पर आया है। यहाँ पर हम बोल सकते थे किसी का भी नाम लेकर, मोहन अपने गांव गया है, सोहन अपने गांव गया है, प्रीतम अपने गांव गया है, कुछ भी हम बोल सकते थे। लेकिन उस संज्ञा शब्द के स्थान पर उसको ना लिखकर, हम संज्ञा शब्द का प्रयोग ना करके वहाँ पर हम सर्वनाम शब्द का प्रयोग किए हैं, इसलिए वह हो गया सर्वनाम। और एक उदाहरण हम लेते हैं, गृह कार्य उसने किया है, यहाँ पर बच्चों उसने, सर्वनाम क्या है, उसने, यानी ये संज्ञा के प्लेस पर लिखे हैं। यहाँ पर हम लिख सकते थे गृह कार्य मोहन किया है, सोहन किया है, किसी का भी नाम हम ले सकते थे। लेकिन यहाँ पर हम संज्ञा शब्द को ना लिख करके सर्वनाम लिखे हैं, यानी सर्वनाम शब्द जो होता है वो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। ये आपका सर्वनाम क्लियर हो गया है। अब चलिए हम आपको समझाते हैं सार्वनामिक विशेषण क्या होता है। जब सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा से पूर्व या पहले, पूर्व का मतलब पहले, पूर्व आकर उसकी विशेषता बताते हैं, तब वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं, तब वो क्या हो जाता है, सार्वनामिक विशेषण, ठीक है।
कहलाते हैं। यानी अब देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, गौर कीजिए। जब सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा से पूर्व यानी संज्ञा से पहले आएगा और उसकी विशेषता को बताएगा, सर्वनाम शब्द कहाँ पर आएगा, संज्ञा से पहले आएगा तब वो हो जाएगा, और विशेषता बताएगा तब वो हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। चलिए उदाहरण के साथ हम आपको समझा देते हैं। उदाहरण लिए हैं, वह पुस्तक किसकी है, वह पुस्तक किसकी है। यहाँ पर ये वह क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि यहाँ देखिए ये सर्वनाम है, वह शब्द क्या है, सर्वनाम है, और उसके बाद देखिए क्या है, पुस्तक। यानी जब सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा से पूर्व आएगा तो ये हो गया क्या, संज्ञा। पुस्तक जातिवाचक संज्ञा है, एक संज्ञा शब्द है, और उसके पहले क्या आया है, सर्वनाम आया है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण ये हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। क्लियर है, आपको एकदम इजी ट्रिक बता दे रहे हैं कि जब सर्वनाम, तो आपको समझ में आ गया कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है वो सर्वनाम होता है, और सार्वनामिक विशेषण अधिकतर बच्चे गलत कर देते हैं सार्वनामिक विशेषण में। अब कभी भी आपका एग्ज़ाम में गलत नहीं होगा अगर आप इसका इजी ट्रिक समझ लेंगे तो, कि जब भी कोई ये जो सर्वनाम शब्द है, वह, उसने, उन्होंने, इस, उस, ये सब क्या है बच्चों, सर्वनाम शब्द हैं, और जब सर्वनाम शब्द के बाद आपको कोई संज्ञा शब्द दिखेगा तब वो हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। यानी यहाँ पर देखिए ये जो क्या लिखा है, जब सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा से पूर्व यानी संज्ञा शब्द के पहले जब सर्वनाम लगेगा और उसकी विशेषता को बताएगा तब वो हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। चलिए और एक उदाहरण ले लेते हैं, यह लड़का, यह लड़का बहुत बुद्धिमान है, बुद्धिमान है। अब देखिए ये क्या है, लड़का क्या है, संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा, और देखिए संज्ञा शब्द के पूर्व ये सर्वनाम शब्द आया है, ये क्या है, यह क्या है, सर्वनाम शब्द है, ये सर्वनाम है, ठीक है, और ये संज्ञा शब्द के पहले सर्वनाम आया है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। क्लियर, अब चलिए एक ही उदाहरण लेकर के आपको हम एकदम क्लियर कर देंगे। जैसे देखिए ये उदाहरण को गौर कीजिएगा, यह पर्यटक, यह पर्यटक खिन्न मतलब उदास, दुखी मन से, खिन्न मन से भारत छोड़ेगा। और एक हम उदाहरण लेते हैं, यह से ही लेते हैं ताकि आपको बात समझ में आ जाए, यह यहाँ से विदा नहीं होगा, विदा नहीं होगा, यहाँ की धरती छोड़ेगा, यहाँ की धरती छोड़ेगा।
अब देखिए यहाँ पर भी यह है और यहाँ पर भी यह है, और यह क्या है, सर्वनाम शब्द है। लेकिन यहाँ पर गौर कीजिएगा कि ये जो सर्वनाम शब्द है, ठीक है, ये जो पर्यटक है, ये पर्यटक क्या है, संज्ञा शब्द है, ये पर्यटक संज्ञा शब्द हुआ। और इसके पहले सर्वनाम आया है, एक संज्ञा शब्द के पहले क्या आया है, सर्वनाम आया है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण, ये हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि यहाँ पर देखिए संज्ञा शब्द के पहले सर्वनाम आकर उसकी विशेषता को बता रहा है, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण है। लेकिन यहाँ पर यह के बाद देखिए कोई भी संज्ञा शब्द नहीं है, यह यहाँ से विदा नहीं होगा, यहाँ की धरती छोड़ेगा, तो यह के बाद कोई भी संज्ञा शब्द नहीं है, यानी संज्ञा शब्द के पहले सर्वनाम नहीं आया है, बल्कि ये सर्वनाम है, ये यहाँ से विदा नहीं होगा। हम चाहते तो यहाँ पर किसी का नाम लिख सकते थे, रोहन, मोहन, सोहन, प्रीतम, किसी का भी नाम लिखते कि यहाँ से विदा नहीं होगा, यहाँ की धरती छोड़ेगा, लेकिन वहाँ नाम नहीं ले करके, यानी संज्ञा के स्थान पर हम सर्वनाम का प्रयोग किए हैं, इसलिए ये सिर्फ क्या हो जाएगा, सर्वनाम। ठीक है, तो बच्चों इसको पहचानने का एकदम आसान ट्रिक हम बता दे रहे हैं कि आप दिमाग में सेट कर लीजिए कि जहाँ पर भी सर्वनाम, तो आप समझ ही लोगे कि सर्वनाम क्या हो जाएगा, जहाँ पर भी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होगा। जैसे यहाँ पर देखिए कि वह अपने गांव गया है, यहाँ पर वह क्या है, सर्वनाम है, वह सर्वनाम है, क्योंकि यह संज्ञा के स्थान पर लगाया गया है, ठीक है, इसलिए ये क्या है, सर्वनाम है। गृह कार्य उसने किया है, ये उसने भी क्या है, सर्वनाम है, क्योंकि ये संज्ञा के स्थान पर लगाया गया है। लेकिन यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण में ध्यान दीजिएगा कि कोई भी संज्ञा शब्द के पहले जब सर्वनाम लगेगा तो वो हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। तो बच्चों आपको केवल इतना याद रखना है कि सर्वनाम क्या होता है, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, और सार्वनामिक विशेषण क्या होता है कि जब सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता को बताता है, वही होता है सार्वनामिक विशेषण। यानी ध्यान देने होगा कि कोई भी संज्ञा शब्द के पहले सर्वनाम आएगा और उसकी विशेषता को बताएगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हम दिए हैं, बाहर कौन लोग खड़े हैं, यहाँ पर कौन आपको बताना है कि ये सर्वनाम है या फिर सार्वनामिक विशेषण। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मेरा पढ़ाई आपको अच्छा लगता है, तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि मेरा पढ़ाई आपको कैसे लगता है, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सकें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। और अगर आप मेरा चैनल को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे कोई नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।